नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में लगातार आपके लिए हर सप्ताह नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी एक बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसको लेकर हमारे जो किसान हैं काफी परेशान भी होते थे, चिंतित भी रहते थे, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सीधा उनके ना सिर्फ खर्चे से बल्कि कैसे जो उनका खर्च है उसको हम मुनाफे में बदल सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में, किस तरीके से हमारे जो किसान हैं, क्योंकि जब हम कृषि की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर हमारे जो भूजल स्तर है वहां करीब 80% पानी है जिसका हम अपनी कृषि में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ जो भूजल स्तर है वो कम हो रहा है, किसानों की लागत बढ़ जाती है जब हम खेत में पानी देने की बात करते हैं, डीजल का खर्च अलग, पंप का खर्च अलग, ऐसे में क्या समाधान किया जाए। और उसी समाधान में जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है पीएम कुसुम योजना के तहत हमारे जो किसान हैं उनको सौर पंप जो है वो दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ किसानों की देखिए जो लागत है वो तो कम हो ही रही है, लेकिन जो प्रदूषण होता था उसमें भी गिरावट आती है। और भी कई फायदे हैं इसके, अलग अलग घटक हैं इस योजना के, इस पर हम विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे और उसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री ललित बोहरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। साथ ही मौजूद है हमारे साथ राजस्थान से प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका धर्मेंद्र जी भी। और हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से जसविंदर सिंह जी, आप भी एक युवा और प्रगतिशील किसान जो कि जो हमारे सौर ऊर्जा के अलग अलग विकल्प हैं, पंप हैं, उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और आपको बता दें हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान एवं टेक्नोलॉजी एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र नाथ मिलुरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, मिलकर हम आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। इसके अंतर्गत सरकार किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े दूसरे सौर बिजली संयंत्र लगवाती है, यानी ये ऐसी योजना है जो किसानों को ग्रीन एनर्जी देती है, सिंचाई पर आने वाले खर्च को कम करती है और पर्यावरण की हिफाजत भी करती है। इस योजना के तीन घटक हैं। पहला घटक 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए है। दूसरा डीजल पंपों की जगह सोलर पंप लगवाने के लिए है, जबकि तीसरा कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए है। सरकार का इरादा फिलहाल 35 लाख किसानों के पंपों के सौरीकरण का है। सौर संयंत्र पर किसानों को सिर्फ 40% रकम खर्च करनी है, बाकी 60% पैसा केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। बल्कि दूसरे घटक के अंतर्गत तो बैंक से भी 30% लोन का प्रावधान है। इस तरह किसान को सिर्फ 10% पैसा खर्च करना है। शर्त ये है कि इन पंपों का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई के लिए ही किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारें ज्यादा सब्सिडी भी दे रही हैं। ये योजना सिर्फ सिंचाई लागत ही कम नहीं करेगी बल्कि किसानों की अलग से आमदनी का जरिया भी हो सकती है, क्योंकि इस्तेमाल के बाद जो बिजली बचेगी उसे वो बिजली कंपनी को बेच भी सकेंगे। इस तरह ये योजना अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने का भी काम करेगी। सरकार ने हाल ही में इस योजना की मुद्दत बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है, जिसके बाद इसके बजट में भी इजाफा करके उसे 34,422 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा कुसुम योजना को पर ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ मिला दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अब किसान सौर संयंत्र के साथ साथ सूक्ष्म सिंचाई संरचना भी स्थापित करवा सकते हैं। वहीं दूसरे और तीसरे घटक को पहले ही कृषि अवसंरचना कोष में शामिल कर लिया गया है, जबकि पहले घटक के बारे में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अभी गौर कर रहा है।
तो जाना आपने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान है, जिसे पीएम कुसुम योजना के नाम से हम जानते हैं। और किस तरीके से देखिए, इसके तहत हमारे जो किसान हैं उनकी मदद की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कैसे उनकी जो लागत है वो कम हो सकती है। इस बारे में सबसे पहले ललित जी आपके पास में आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से जो पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई और फिर इसकी सफलता को हमने देखा, उसके बाद इसका एक तरीके से हम मान सकते हैं कि जो दूसरा चरण है उसकी भी शुरुआत कर दी गई, बजट को भी बढ़ाया गया, किस तरह का सफर रहा है अभी तक पीएम कुसुम योजना का? पीएम कुसुम योजना है ये 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि बड़े बड़े सौर ऊर्जा प्लांट तो लग रहे थे, तो छोटे सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाए और हमारे किसान भाइयों को इससे सीधा फायदा दिया जाए। अगर मैं छोटी बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि किसान को है अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाना इस स्कीम का मेन उद्देश्य था जी। इस स्कीम के तीन घटक थे। घटक ए था, उसके अंदर जो बंजर भूमि है और जो चरगाह भूमि है या दलदल भूमि है, वहां पर किसान उपजाऊ नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर है वो 500 किलोवाट से लेकर के और 2 मेगावाट तक का है अपना सोलर प्लांट लगा सकता है और उससे जो बिजली पैदा होगी उससे किसान के लिए है एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसके लिए एक आमदनी का एक रास्ता खुलेगा जी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राज्य सरकार चाहे तो 500 किलोवाट से कम तक के भी प्लांट की परमिशन दे सकती है जी। इस स्कीम का जो दूसरा भाग था वो दूसरा भाग ये था कि जहां पर भी हमारे डीजल के आधारित पंप लगे हुए हैं जी, उन पंप को सोलराइज करना है। जैसा कि आपने बताया कि उन पंप से प्रदूषण होता था, किसान की लागत बढ़ती थी, तो जब सोलर पंप बन जाता है तो एक बार का जो इनिशियल कॉस्ट रहता है वो रहता है और उसके अंदर भी है केंद्र सरकार 30% और राज्य सरकार है वो मिनिमम 30% है वो सब्सिडी देती है, और कुछ जो हिली राज्य है उन राज्यों के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी है वो 50% तक होती है जी। तो उससे किसान है अपने डीजल पंप्स को खत्म करके और सौर ऊर्जा आधारित पंप को अपने यहाँ लगा सकता है जी। और उस पंप के साथ में वो दूसरी गतिविधियां भी अपने हैं खेती से रिलेटेड कर सकता है जी। और तीसरा इसका घटक था वो ये था कि जहां पर भी है ग्रिड से कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पंप लगे हुए हैं जी, उन पंप को भी हमने है सोलराइज करने का कहा गया था, तो वहां पर किसान अपने पंप को सोलराइज करे और जब उसके पंप को वो नहीं चला रहा है और उससे जो बिजली पैदा हो रही है वो ग्रिड में वापस दे करके और उससे एक अपना आमदनी का साधन बनाए। और इसी वजह से हम कहते भी हैं कि देखिए जो अन्नदाता है वो ऊर्जादाता बन चुके हैं और वही अन्नदाता जो है यानी ऊर्जादाता जो है हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है। धर्मेंद्र जी, जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब हम पहले बात करते थे कृषि में सिंचाई को लेकर तो काफी मेहनत भी होती थी, कभी रात के समय में पानी लगाया जा रहा है खेत में, कभी दिन के समय, और उसके बाद जो खर्च है कहीं ना कहीं किसान पर उसका बोझ और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब सौर पंप की यहां पर हम कहते हैं विकल्प आया और उसके साथ साथ जो बिजली है वो भी अब खेत में उग रही है, हम ये कह सकते हैं, कितना फायदा आपको लगता है किसान को उससे होता है? सर, मैं MNRE और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं जी, जिससे कि ऐसी एक उत्तम स्कीम किसानों के लिए लेके आए, जो एक किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बन गया जी, एक किसान को एक फैक्ट्री मालिक भी बना दिया है एक तरह से जी। क्योंकि जो 2 मेगावाट का प्लांट है उसका प्रति मंथ हमारा जो इनकम होती है जी, वो लगभग 9 लाख रुपए प्रति महीना होती है, और हमारा जो किस्त जा रही है अभी बैंक में वो 6,20,711 रुपए जा रही है जी। लगभग 3.5 लाख रुपए महीने की एक किसान को आमदनी हो जाए, इससे ज्यादा बेहतर मैं नहीं समझ सकता हूं कि कोई स्कीम होगी जी। और इस स्कीम से जो राज्य सरकार है उसको भी बहुत बड़ा फायदा है जी। क्योंकि राज्य सरकार किसानों के लिए जो बिजली खरीदती है वो 5.60 रुपए में खरीदती है, और उस बिजली को किसानों तक पहुंचाने में 9% का TND लॉस होता है जी, जो ट्रांसमिशन लाइन का लॉस होता है, और हम जो बिजली बना रहे हैं वो सीधा फीडर पे सप्लाई कर रहे हैं जी। उसकी वजह से राज्य सरकार को एक प्लांट की वजह से लगभग 50% का, मतलब लगभग 9 लाख नहीं तो कम से 8 लाख रुपए का पर मंथ फायदा है जी। तो देखिए फायदा यहाँ हर किसी को हो रहा है, उसके अलावा जैसे अगर हम देखते हैं और किस तरह का फायदा आपको लगा धर्म? उसके अलावा हमारे क्षेत्र में किसान रात को पानी देते थे, तपती धूप हो चाहे पड़ती बर्फ हो चाहे बारिश हो रही हो, मतलब जब भी बिजली दिन और रात का सारा होता था जी। अब वो चीज खत्म हो गई है, अब सब क्षेत्रों में जहां जहां सोलर प्लांट लग गए हैं जी, दिन की बिजली हो गई है,
किसान दिन में ही अपने खेतों में पानी लगाते हैं, उससे एक तो बिल्कुल एकसार पानी लग जाता है खेतों में जी। दूसरा उसकी जो पानी का वेस्टेज होता था अगर रात को छोड़ के आ गए, वो पानी का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है और उपज भी अपनी, जब पूरे खेत में एक सार पानी लगता है तो उपज भी बढ़ती है जी। बिल्कुल, तो देखिए कितना फायदा इसके जरिए होता है यहाँ पर। और खासतौर से ललित जी आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अब जो किसान है वो जागरूक भी हो रहा है मंत्रालय की तरफ से, जिस तरीके से ना सिर्फ लगातार जागरूकता अभियान जो चलाए जा रहे हैं, सरकार की पूरी कोशिश यही रही है कि जो किसान है वो इस बारे में समझें और जो उनका खर्च होता था डीजल पर जाता था, जो दूसरे संसाधन होते थे सिंचाई के, उसके जरिए अब ना सिर्फ वो पीएम कुसुम योजना से जुड़े बल्कि प्रधानमंत्री जो हमारी कृषि सिंचाई योजना उसका भी लाभ ले रहे हैं। जी, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि जिस तरह से इस योजना के प्रति हमारे किसान भाइयों का रुझाव रहा है जी, तो उसको देख के लग रहा है कि किसान है वो इस योजना से काफ़ी संतुष्ट है। जैसे कि अभी हमारे किसान भाई ने बताया कि एक जिस जमीन से है आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, उस जमीन से अगर आपको लगातार कोई आप आय आमदनी का एक साधन बन जाए तो किसान के लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है। जी बिल्कुल, और उन्होंने तो बताया भी कि यहाँ देखिए करीब 3.5 लाख का जो फायदा है, बिल्कुल उन्होंने सच सच यहाँ बता दिया कि इतना फायदा हमें हो रहा है जिससे बाकी किसान भी ये जान सके। यहाँ जसविंदर जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आपको किस तरीके से लगता है कि जब या क्या फायदा आपको हुआ, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ये हमें बताएं। ਸਾਸ਼ੀਕਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੁਸ਼ਮ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 200 ਤੋਂ 300 ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਫਸਲ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਵਾਇਆ 5 HP ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। अब चैन की नींद भी आप ले पा रहे हैं, लेकिन अगर हम मुनाफे को यहाँ देखते हैं, पहले जब डीजल का इस्तेमाल किया जाता था कितनी लागत उसमें आपको लगता है कि तब आपको देनी पड़ती थी, और आज के समय में जब आपने सौर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी कमी उसमें आई है, आपका जो खर्च है वो किस तरीके से कम हुआ है? खर्च इसलिए सर, पहला 200 तो 300 रुपए का डीजल जिहड़ा कि फसल ते इक ते लग जांदा सीगा, जिहड़े दा कि मैं इस दे विच वाधा मैनूं इह होया कि ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰਚ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਟਨ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, बिल्कुल, तो देखिए कितना फायदा इसके जरिए एक किसान को हो रहा है, और ये काफी महत्वपूर्ण कि हर एक किसान, फिर चाहे राजस्थान के हों, पंजाब के हों, दूसरे राज्य के हों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर जगह देखिए अब जो किसान है धीरे धीरे इनसे जुड़ रहे हैं। अब चलिए रुक कर लेते हैं केरल से, हमारे साथ जो नरेंद्र नाथ जी जुड़े हैं इनका, नरेंद्र जी जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से और यहाँ पर आपको आवश्यकता महसूस होती है कि जो जानकारी है वो किसानों को कितनी है, और अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत क्षेत्रों की तो वहां पर भी किस तरह का रुझान आपको लगता है जो किसान है वो इन सौर पंपों को अपना रहे हैं? हमारे यहाँ कैटेगरी सी जो अभी बोला हुआ है जी, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप का बहुत ज्यादा फोकस है जी, क्योंकि हमारा हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, डीजल पंप का डिमांड नहीं है, तो ग्रिड कनेक्टेड पंप के लिए हमारा ये योजना चालू है यहाँ जी। इसमें से हम किसान को अभी 50 के करीब इंस्टॉलेशन किया है केरला में। हर किसान यही बोल रहा है कि टैंक लगाते हमें पहले महीने से उसको इनकम मिलने लगा जी, और जो हम कैलकुलेट किया है जो पहला इंस्टॉलेशन था उसको अभी एक साल में 20,000 रुपए का इनकम मिला है जी, तो एक ऐसी भी डिस्काउंट के तरह से, तो जो जो बिजली से सोलर प्लांट के उत्पादन किया
उसके लिए 3 रुपए के इसको आप सिर्फ जो पैसा है वो 20,000 के करीब जी। तो इसका मतलब है कि ये सोलर प्लांट इसका खर्चा कम करेगा और उसको एक्स्ट्रा इनकम भी दिला रहा है, अतिरिक्त आमदनी का विकल्प एक किसान के पास है। नरेंद्र जी ने जैसा बताया कि किस तरीके से देखिए जो ग्रिड से जुड़ रहे हैं और करीब करीब अगर देखा जाए यहाँ ललित जी जो 20 लाख हमारे ऐसे डीजल पंप हैं जिनको हम बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो सौर पंप पे हो पाए, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें कहाँ तक हम आगे बढ़ पाए हैं अभी? देखिए अभी तक जो 20 लाख डीजल पंप हमको सोलराइज करने थे जी, उसमें से इस योजना के अंदर है विभिन्न राज्य है, चूंकि राज्य सरकार का खुद का एक सब्सिडी एलिमेंट होता है तो विभिन्न राज्य सरकार हमसे नंबर ऑफ डीजल पंप है वो मांगती है जी। तो अभी तक हमने विभिन्न राज्यों को लगभग है 8.5 लाख डीजल पंप के सोलराइजन के लिए अनुमति दे दी गई है जी। और उसमें से लगभग 1.5 लाख पंप है वो लग चुके हैं और बाकी भी जो पंप है वो लगने के लिए प्रोसेस के अंदर है, यानी आधे से अधिक की अनुमति जो है वो दे दी जा चुकी है यहाँ पर। और खासतौर से जो ग्रिड से जुड़ने की बात कही गई है जो करीब 15 लाख जो पंप हैं जो सीधे ग्रिड से जुड़ेंगे वहां पर क्या स्थिति है ललित जी? जो ग्रिड से लगने वाले पंप है उसमें हमने 2 योजना बना ली थी, एक थी जो इंडिविजुअल पंप की थी, एक हमने कह दिया था कि जो भी सब स्टेशन है जो सारे के सारे एग्रीकल्चर पंप्स को देता है सब बिजली वहां पर है पूरा का पूरा सोलराइज कर दिया जाए, तो उसमें हमने लगभग हमारा 15 लाख का लक्ष्य था और हम अभी तक है उसमें 25 लाख तक के पंप की अनुमति दे चुके हैं जी। तो उसके अंदर है हमको बहुत ज्यादा ही उत्साह नजर आ रहा है जी। तो वो भी हमारी योजना है आगे चल रही है और इन सब में है हम ये सारी की सारी योजना है अब 2026 तक एक्सटेंड हो गई है, 2026 तक बढ़ चुके हैं, बजट का भी देखिए इसमें प्रावधान जो है वो कर दिया गया है। लेकिन यहाँ धर्मेंद्र जी जैसा आपने कहा कि जो फायदा है वो काफी इसमें होता है, लेकिन कैसे ये सोच आप में आई कि हमें इससे जुड़ना चाहिए, इस योजना का लाभ हम ले सकते हैं, कैसे आपका जो सफर है वो पीएम कुसुम योजना के साथ शुरू हुआ? सर सबसे पहले जब अखबार में विज्ञप्ति आई थी जी उसको पढ़ के फिर मैंने उसके नेट पे सर्च किया सारे गुण और दोष जी और उसकी कैलकुलेशन पूरी उस पर रिसर्च किया कि हमें इसको लगाने में कितनी लागत आएगी और इससे अर्निंग क्या होगी जी। तो उस समय हमारी लागत लगभग 6.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट बैठ रही थी और जो 3.14 रुपए राज्य सरकार हमें दे रही है जी उससे हमारी जो अर्निंग है वो लगभग 17% IR बैठ रही थी। आप तो वर्तमान में GST और BCD बढ़ने की वजह से लागत बढ़ गई है जी, तो थोड़ा मार्जिन कम हो गया है, लेकिन जिस समय हमारा प्लांट लगा था उसमें मार्जिन बहुत बड़ा था जी। सिर्फ इसमें दिक्कत जो आ रही है किसानों को वो बैंकों की तरफ से आ रही है, क्योंकि बैंक जो समझते हैं कि 2 डिफॉल्टर इकट्ठे हो गए, सबसे पहले बैंक किसान को डिफॉल्टर मानता है जी, किसान से पैसा वापस नहीं आएगा, दूसरा वो ऊर्जा विभाग को डिफॉल्टर डिपार्टमेंट मानता है कि ऊर्जा विभाग में जो पैसा है वो डूब जाता है जी। लेकिन मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पेमेंट है वो 7 दिन में हमें हमारे खाते में बिल देने के 7वें दिन हमारे खाते में आ जाता है, जिसमें हमें यही नहीं पता होता है कि कौन बिल पास करता है, कहाँ से भुगतान आता है जी। हमारे खाते में ऑनलाइन लेकिन सीधे खाते में आती है, सीधे खाते में आती है जी। और अब कुछ बैंकों पे ट्रस्ट हुआ है, बैंकों को कुछ को ट्रस्ट हुआ है इस चीज पे कि हाँ ये भुगतान समय पे आएगा। अब कुछ बैंक इसमें प्रोग्रेस भी कर रहे हैं कि वो किसानों को आसानी से लोन उपलब्ध करवा दें। चलिए बिल्कुल, और उसके लिए मैं MNRE का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से वो बैंक लोन देने के लिए राजी हुए किसानों को जी। बिल्कुल, ये कोशिश लगातार की जा रही है कि जो किसानों का काम है कैसे वो सरलता और सुगमता के साथ हो सकता है ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन ललित जी, जब इस तरह की कुछ अड़चनें या चुनौतियां किसानों के सामने आती हैं इसकी शिकायत वो कहां कर सकते हैं? अगर एक किसान जानना चाहता है पीएम कुसुम योजना से लाभ क्या मिल रहा है और उसके बाद जब वहां पे कुछ दिक्कत आती है तो इसकी शिकायत वो कहां कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई योजना आती है तो कुछ ऐसे तत्व भी आते हैं जो लोगों को है भ्रमित करने का प्रयास करते हैं जी। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि उनको कोई भी जानकारी लेनी हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो वेबसाइट है पीएम कुसुम साइट है जी, वहाँ पे जाकर के जानकारी ले। उसके अलावा बहुत सारी जो गलत साइटें पीएम कुसुम के नाम से चल रही है उनके ऊपर विश्वास नहीं करें जी।
क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। तो आपको जो भी शिकायत है आप एमएनआरई की वेबसाइट पे आकर के अपनी शिकायत कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पे है कंप्लेंट्स भेज सकते हैं, थ्रू ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। हमारे नंबर्स है वो आपको नेट पे मिलेंगे, आप वहां पे जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस अलग अलग माध्यम आपके लिए यहाँ रखे गए हैं अगर इस तरह की समस्या आती है। और जैसा ललित जी ने कहा कि आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के दावे कर दिए जाते हैं कि आपके सीधा बैंक अकाउंट में जो अनुदान राशि है वो पहुंच जाएगी, आपको इतनी राशि देनी होगी, लेकिन जो मेन साइट है उस पर आपको जाना है। और अगर आपको थोड़ा सा भी संशय होता है तो आपके जो अधिकारी हैं आपके जिले में या ब्लॉक स्तर पर, आप उनसे भी इसकी सलाह ले सकते हैं। नरेंद्र नाथ जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी ललित जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो ग्रिड के जरिए हमने जो लक्ष्य रखा था, एक उत्साह उसमें अलग ही नजर आता है किसानों का, उसमें इजाफा भी हम देख पा रहे हैं, क्या वहां भी आपको लगता है किस तरह की कुछ इस तरह की जो अड़चने हैं या कुछ समस्या रहती है किसानों की? समस्या तो बहुत सारे है जी, क्योंकि ये 40% जो 40% जो किसान के हिसाब होता है जी, वो कम से कम 2,00,000 रुपए होता है। ये छोटा छोटा किसान को ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी लेंडिंग रेट में 1.6 लाख तक की बैंक विदाउट सिक्योरिटी लोन दे सकते हैं जी। तो उसके उसके ऊपर जो पैसा जा रहा है तो वो सब सिक्योरिटी के हिसाब से ही चलेगा जी। तो जो गरीब किसान पंप चला रहा है तो उसको लोन मिलना मुश्किल हो रहा है जी। लेकिन नरेंद्र जी, आपको लगता है कि अगर किसान एक साथ रहते हैं, क्योंकि आज के समय में हम एफपीओ की भी बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह की भी बात करते हैं, इसी तरह अगर हम जो किसान है वो पीएम कुसुम योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इकट्ठा होकर रहें, तो क्या आपको लगता है इस तरह की जो समस्याएं शायद उनका कुछ समाधान हमें नजर आ सकता है? आप बिल्कुल सही कहा, हम वही कर रहे हैं केरला में जी। तो जो किसान जितना किसान ऐसे छोटा छोटा किसान है 5 एकड़ के लैंड पोजीशन करने वाले किसान है, उसको नंबर सब इकट्ठा करके हमने नाबार्ड को अप्रोच किया जी। और नाबार्ड को प्रपोजल दिया और नाबार्ड लोन दे रहा है। और जो आपको मैंने पहले ही बोला, जनरेशन जो ग्रिड में जा रहा है उसके पैसे के हिसाब से हम वो लोन क्लियर कर सकता है जी। और वो प्लांट किसान को हम हैंड ओवर कर सकता है 5 या 6 साल के बाद जी। तो आपने जो पॉइंट रेज किया है वो सही पॉइंट है, तो इकट्ठा करने से तो बैंक में लोन इजीली मिल सकता है जी। बिल्कुल, और देखिए लगातार सरकार का प्रयास यही रहा है, हमारा लक्ष्य यह भी है कि जो एफपीओ है करीब 10,000 जिनकी संख्या, उसमें भी हम काफ़ी हद तक जो लक्ष्य है उस तक पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि जब किसान इकट्ठा रहेंगे काफ़ी लाभ उनको मिल जाता है। लेकिन यहाँ ललित जी, जैसा देखा जाए, क्योंकि अभी हम अलग अलग बैंकों की अगर बात करते हैं या कहीं भी इस तरह की शिकायत आती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो एक ना सिर्फ शिकायत विंडो का तो आपने बताया कि क्या प्रावधान रखा गया है, लेकिन और किस तरीके से जो एक माध्यम है वो किसान के पास हम देख सकते हैं? हाँ, देखिए इसमें मैं दो चीज बताऊंगा। एक तो जैसा कि अपने केरल से हमारे साथी ने बताया कि ये जो योजना है इसमें सहकारी समिति है, किसान के समूह है जी। वो सब है, वो अपना कर सकते हैं। और उसके अलावा जहां पर भी उनको किसान को लगता है कि उसके पास में उतना पैसा नहीं है जी, तो कुसुम एक के अंतर्गत है, वह किसी डेवलपर के थ्रू भी बनवा सकता है। और हमने जो स्कीम के अंदर है उनको जितना भी एग्रीमेंट करना है उन सब की एग्रीमेंट की ड्राफ्ट कॉपी भी दे रखी है। तो अगर किसान चाहे कि उसके पास में जमीन है, उसके पास में पैसा नहीं है, तो कोई डेवलपर वहां पे प्लांट लगाएगा और जो डिस्कॉम से उसको पैसा मिलना है किसान का लैंड का, यानी किसान के साथ ठगी ना हो इसके लिए भी सुनिश्चित किया गया है। डिस्कॉम सीधा पैसा है, डेवलपर को नहीं देगा लैंड का, वो लैंड के जो लीज लैंड का पैसा है वो सीधा किसान के खाते में डालेगा। तो किसान को ये एश्योरेंस रहेगा कि मुझे जो मेरा किराया है वो सरकार दे रही है पहले डेवलपर को पैसा देने के लिए। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात रही कि जहां तक की बैंकों से लोन की बात है जी, तो उसके ऊपर भी है अलग अलग क्षेत्रों पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ और बैंकों के साथ सब मिलकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसी का ये असर है कि बैंक है वो लोन दे रही है और हम क्या कर रहे हैं कि जहां जहां हमको किसानों की जानकारी मिल रही है जिनको लोन की आवश्यकता है, उन जानकारी को भी हम बैंकों को भेज रहे हैं और बैंक है अपने
स्तर पे कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक लोन है वो किसानों को दे पाए। जी बिल्कुल, और वाकई ये स्थिति हम देख भी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने जान भी लिया होगा कितना फायदा इस योजना से जुड़कर हमारे जो किसान हैं उनको मिल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है, कुछ और भी सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, कुछ सवाल हमारे पास भी हैं, इनके जवाब भी हमारे जो विशेषज्ञ उनसे हम लेंगे। लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं पीएम कुसुम योजना को लेकर। जी हाँ, अब जो बिजली है वो भी खेत में उग रही है और इसका सीधा फायदा और किसी को नहीं बल्कि हमारे अन्नदाता को मिल रहा है, जिसके बाद वो ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना किस तरीके का फायदा हमारे जो किसान है उनको हो रहा है और किस तरह की देखिए नीतियां यहाँ पे रखी गई हैं। पारदर्शिता जो है वो इस योजना में हमें सीधे तौर पर झलकती है, जो किसान है वो भ्रमित ना हो सारी जानकारी उन्हें दी जाती है। फिलहाल पंजाब से जसविंदर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जसविंदर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि जो जानकारी है वो पूरी नहीं मिल पाती और उस वजह से किसान जो है भ्रमित हो जाता है। क्या जो आपके आसपास के जो किसान हैं उन्होंने भी आपको इस बात के लिए कभी टोका कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं या इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, ऐसी योजना है वैसी योजना है, कुछ इस तरह का भी आपको कहा गया पहले? जी सर, पहला जदों की स्टार्टिंग दे विच स्कीम आई हुई है उदों बथेरे लोग आस पास गुआंढी कहिंदे आ भी इस चीज़ का कोई फायदा नहीं गा, ये लाभदायक नहीं होगी। बट हौली हौली असी फिर भी मैं निश्चित किया भी इस नवी तकनीक है जी, ते एक बार लगा के देखी जाए, फिर मैं अप्लाई किया पेडा डिपार्टमेंट तो जिहदा की लाभ मैनू एक साल दे विच मैं इहदा जिन्ना भी पैसा लग्या सीगा और रिकवर कर लिया, जिवें कि 1 लाख समथिंग एक साल दे विच लग जाता हैगा डीजल ते खर्चा जी। ठीक है, इस दे नाल मैनू एक बार मैनू पैसा लाउण दे बावजूद एक साल दे विच कमाई तो हुई हुई है। ठीक है, उस बाद भी मैनू लोंग टाइम लई भी अगे आने वाले 10 साल ताई 20 साल ताई मैनू कोई पैसा नहीं लाउणा पऊगा जिहदा कि मैं लाभ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ ਵਧੂਗੀ। जी बिल्कुल, और यही देखिए ये युवा हमारे किसान, ये युवा सोच जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आधुनिक कृषि की तो हमें स्मार्ट फार्मर्स जो हैं वो अब नजर आने लगे हैं और यही हमारे स्मार्ट फार्मर्स भी हैं जो कि लगातार नई तकनीक पर फोकस कर रहे हैं। भले ही लोग कुछ भी कहें कि ये जो तकनीक है पता नहीं कैसी होगी या इसका जो लाभ है इसके जरिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसको जब तक हम जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक उसका लाभ हमें नहीं मिल सकता। और यहाँ ललित जी अगर देखा जाए, जैसा जसविंदर जी ने भी अपना अनुभव बताया कि कोशिश यही होती है कि नई तकनीक आ रही है पता नहीं कैसी होगी, या एक तरह का मान सकते हैं जो बाधा है वो किसानों के सामने काफी आती हैं, लेकिन आज के समय में क्योंकि जब इसका एक तरीके से दूसरा चरण जो शुरू किया गया वो अपने आप में एक उपलब्धि हम मान सकते हैं। जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज कोई भी योजना जब अपने द्वितीय चरण में जाती है तो उसके प्रथम चरण का पूरा एनालिसिस होता है और उस योजना में किसानों का जो उत्साह देखा गया, और ये सब उत्साह उस समय था जब हम सब जानते हैं कि हम लोग एक है कोरोना की बड़ी त्रासदी से गुजर रहे थे जी, तो उस समय पूरा सप्लाई चेन सारा मार्केट डिस्टर्ब था, उसके बावजूद है काफी उत्साह रहा और किसानों को इससे फायदा होने लगा है जी, और उसके कारण है धीरे धीरे ये हम इसका रिजल्ट आने लगा और इसीलिए हम लोग है सेकेंड फेज पे गए और हमने इसको आगे बढ़ाया है जी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से कोशिश यही हुई, लेकिन खासतौर से इस योजना में अगर देखा जाए ललित जी जो कृषि अवसंरचना कोष है उसके जरिए भी किस तरह का प्रावधान रखा गया है?
इसके अंदर है जो ये कोर्स है उसके थ्रू ये बोला गया है कि किसानों को है आप है इसके थ्रू है लोन दिया जाएगा। तो इसमें जो किसानों को लोन मिलता है उसमें इंटरेस्ट रेट कम रहती है जी। लेकिन कोई खास पात्रता के लिए कोई किस तरह का यहाँ जो मानदंड रखे गए हैं अगर वो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि कभी कभी किसान को पता नहीं होता कि वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नहीं, जो भी किसान है जो पीएम कुसुम के अंदर है कंपोनेंट बी में और कंपोनेंट सी के अंदर जी पंप ले रहा है और उस पंप के लिए है, अभी उसके लेने का जो तरीका है वो पूरा पारदर्शी है। राज्य सरकारों ने अपनी वेबसाइट्स बना रखी है, उन वेबसाइट्स पे किसान अप्लाई करता है जैसे कि हमारे साथी किसान ने बताया जी, और वहां पर है उनका पूरा प्रोसेस होता है। उसी जानकारी के साथ में जहां पर उनको एक बार अलोकेशन मिल जाता है तो उस अलोकेशन लेटर के साथ में वो जाकर के और अप्रोच कर सकते हैं संबंधित बैंक को, और बैंक है उसके अंतर्गत है उनको लोन प्रोवाइड करेगी जी, और उस लोन के बेसिस पे है वो अपना पंप है वो लगा सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन वो दे सकते हैं जी। बिल्कुल है। साथ ही धर्मेंद्र जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि जो पहले बैंक थे उन्हें विश्वास नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें भी विश्वास हो रहा है किसानों पर और जो ऋण की समस्या है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन जिस जगह आपने जो अपना प्लांट लगाया है पहले वहां पे क्योंकि फसल आप किस तरह की लेते थे फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं नुकसान आपको उसमें नजर होता आया होगा, आप कैसे वो जो नुकसान था वो बदलाव जो है मुनाफे की तरफ आपको दिखता है? सर पहले हम अपने जो जनरल खेती होती है जिसमें सरसों ग्वार बाजरा और गेहूं करते थे, लेकिन अभी उसमें हम सब्जियां और जो छोटी साइज के जो फसलें हैं जैसे चना मूंग इस तरह की फसलें उगाने लग गए हैं जो बीच में जगह गैप्स है उसमें जी, और उससे भी बढ़िया उत्पादन होता है और धीरे धीरे इससे जो हमें धोने में जो हमारा पानी वेस्ट होता है वो भी हम उसमें सिंचाई में काम में लेते हैं जी, ताकि हमें उसमें कोई अतिरिक्त पानी नहीं देना पड़े। जैसे सब्जियों की बेल वाली सब्जी बो दी तो उसमें जो मॉड्यूल से नीचे पानी गिर रहा है जी, उसी पानी को हम यूज में ले लेते हैं जी। तो यानी ये देखिए मुख्य फसल जो है हम सौर ऊर्जा को माने या जो इन्होंने अलग अलग सब्जियां ली हैं फसल ली हैं उसको माने, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो जाहिर तौर पर जो बिजली है वो अब खेत में उग रही है। नरेंद्र जी आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि लगातार जो प्रयास हैं वो भी किए जा रहे हैं, केरल की भी अगर बात की जाए और जो किसान हैं किस तरीके से आपको लगता है वहां पर ना सिर्फ जो परंपरागत फसलें हैं पहले उनको भी लेते थे लेकिन कभी कभी हम देखते थे जो फसलें हैं वहां नुकसान झेलना पड़ता था, अगर बारिश ज्यादा हो गई उसकी वजह से नुकसान हो जाता था, लेकिन अब सोलर की वजह से हम मान सकते हैं कि जो नुकसान है वो हमारे किसानों का ना सिर्फ रुक सा गया है कम हो रहा है बल्कि जो मुनाफे की तरफ अब जो किसान है वो बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हमारे केरल में स्पाइसेस आप जानते हैं बहुत सारे स्पाइसेस का प्लांटेशन होता है, अगर प्लांट स्पाइसेस को हम इरिगेट करते हैं तो उसका ये डबल हो जाता है। तो एक्चुअली ये सोलराइजेशन तो उसको अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारे किसान हम देख रहे हैं वो इसके हिसाब इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन के ओर जा रहा है जी, क्योंकि बहुत सारे पैसा बचत हो रहा है उसको बिजली के बिल में जी, तो वो ड्रिप और स्प्रिंकलर में जाने से वो बहुत इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं और बहुत सारा फायदा उठा रहा है यील्ड के हिसाब से जी। काफी फायदे देखिए किसान को मिल रहे हैं, ना सिर्फ जो पैदावार है उसमें इजाफा हो रहा है, जो उनकी लागत थी वो कम हो रही है और इसके साथ साथ एक तरीके से मान सकते हैं अतिरिक्त आय का साधन जो है वो अब हमारे किसानों के पास यहाँ उपलब्ध है। धर्मी जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया था हमें कि किस तरह की दिक्कतें भी रही लेकिन जब आपने बताया आप राज्य सरकार जो है उनको बिजली पहुंचाते हैं तो ये जो आपका संपर्क है वो कैसे हुआ, कहीं किसी तरह का डर या आपको भी लगा कि पता नहीं हम बिजली दे तो रहे हैं लेकिन इसका हमें लाभ क्या मिलेगा या किस तरीके किसे हमें इसका अदायगी होगी? कोई भय नहीं था सर जी, बिल्कुल पूर्ण विश्वास से मैंने इस पे अध्ययन करके जी, और तब आगे बढ़ा था। इससे अकेले हम किसानों को फायदा नहीं हो रहा है जी, इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक 2 मेगावाट का प्लांट लगाने पे 1 करोड़ GST अर्जित हो रही है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से
निसंकोच हम कोई वो नहीं था संकोच की किसी तरह की बाधाएं आएंगी जी। लेकिन आपके प्लांट को देख के अब जो आसपास के किसान हैं दूर दराज तक, क्योंकि जो किसान हैं जानते हैं कि भाई यहाँ पे प्लांट लगा है, तो उनकी भी इच्छा होती है, वो भी आपसे जानने के लिए आते हैं कि भाई कैसे हम इसको लगवा सकते हैं। लगभग 5,000 किसान मध्य प्रदेश और राजस्थान से आके और देख के जा चुके हैं और उस पर सर्वे कर चुके हैं जी। और अभी जब सेकेंड फेज निकलेगा दोबारा, अभी कुसुम कंपोनेंट ये राजस्थान में निकला नहीं है, दोबारा निकलेगा तो मेरे हिसाब से हर ग्रिड पे एक प्लांट लग जाएगा जी। अभी लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है कि किसी भी सूरत में इसको हम नहीं छोड़ेंगे जी। बिल्कुल, देखिए कितनी जागरूकता जो है वो सीधे तौर पर यहाँ झलकती है, ना सिर्फ कुछ हजार किसान बल्कि देखिए देश के अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो चाहते यही हैं, क्योंकि सरकार ने भी अगर देखा जाए तो अलग अलग योजनाएं हैं जिनका सामंजस्य जो है, समन्वय जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर चाहे पीएम कुसुम योजना में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें या इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो किसानों को मिल रहा है। जसविंदर जी, आपको जो और जो किसान हैं और खासतौर से जो युवा किसान हैं वो क्या कहते हैं आपको, उनका भी इच्छा होती है कि वो भी इतना लाभ ले सकें जितना आप ले पा रहे हैं? अपने फार्मर दिनों दिन छोटा जिमीदार है, दिनों दिन करजाई हो रहा जी। ठीक है, छोटे जिमीदार दा अप्रोच नहीं होंदी कि इन्नी डीजल दियां कीमतां बहुत ही ज्यादा ने है जो वधन कारण। ठीक है, उस नूं इस तरह लगदा भी इस जे मैं फायदा ले रहा तो मैं हो सकता कि मेरे आस पड़ोस जेडे की फार्मर है उन्होंने भी यह लगता है कि आप भी ये सोलर पंप लगाएंगे जिदे कारण आमदन दे विच वाधा होवे होवे उन्हों फसल का भी वाधा ले सके, क्योंकि पानी की किल्लत बहुत ज्यादा होने करके पानी ना तो पिछों आ रहा है, पूरा पानी जिन्ना फसल नूं चाहिए उन्ना प्रोपर मिल नहीं रहा गा, टाइम टू टाइम नहीं मिलता। जे किसी फार्मर दे कोले लाइट वाला कनैक्शन हैगा तो उन्हें प्रोपर लाइट नहीं मिल रही जी। जे रात नूं पानी आउंदा हैगा तो किसान खपे खून होके पिछे रह जांदा जां कि उहदे खेत ताईं पानी नहीं पहुंचदा टाइम सिर ते, जिस दे कारण उहदी फसल दा बधेरा नुकसान हो जांदा है जी। बिल्कुल, और वही देखिए उस नुकसान से हमारे जो किसान हैं वो अब बच पा रहे हैं। ललित जी, जैसा कि अभी जसविंदर जी ने कहा कि कई जगह ऐसा होता है कभी कभी के जो बिजली है वो समय पर नहीं पहुंच पा रही है, जो डीजल है उस महंगाई ज़्यादा हो जाती है, किसान सोचता है कि कितना डीजल मुझे लाना पड़ेगा, और इन तमाम जब मुश्किलों को हम देखते हैं उसके समाधान पर अगर देखा जाए तो पीएम कुसुम योजना, जैसा जसविंदर जी ने शुरुआत में भी कहा कि एक बार ज़रूर मेरा खर्च हुआ लेकिन वो खर्च शायद 15-20 सालों तक के लिए मैं मान सकता हूँ मुझे मुनाफा देगा। हाँ, एकदम सही बात है, बिकॉज ये जो स्कीम लाई गई थी इसका मेन उद्देश्य ये भी था, हर जगह है किसानों के पास में बिजली नहीं जा पा रही थी, परंतु किसान है वहाँ पे डीजल पंप के थ्रू सिंचाई कर रहे थे जी। और डीजल है वो हम सब जानते हैं कि हम लोग है इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर है इंपोर्ट का काफ़ी बड़ा एक वो आ जाता है कि इंपोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो और डीजल की रेट्स है वो किसान के लिए, जो ही वो सौर ऊर्जा का प्लांट लगाता है डीजल अपने पंप के साथ में, तो वो है वो 2 साल में अधिक 3 साल में उसका सारा पैसा रिकवर हो जाता है, और 3 साल के बाद में उसका कुछ भी खर्चा नहीं रहता है, बल्कि जिस समय वह अपने पंप को यूज नहीं कर रहा है उस समय वह है यूनिवर्सल स्विच लगा करके उस पंप को है किस कृषि से रिलेटेड बाकी चीजों के लिए, धुनाई के काम के लिए, उन सब के लिए भी है उस बिजली का प्रयोग कर सकता है जी। और जहां पर कि बिजली का कनेक्शन आ गया था वहां पर, जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया कि बिजली है कभी कभार रात को आती थी, अब जो ही उसका सोलराइजेशन हो गया तो वो बिजली दिन में आ रही है, किसान है दिन में उस बिजली को काम में ले रहा है, तो वो पानी है रात को जब बिजली आती थी तो वो पंप चला करके और सो जाता था जी। अब दिन में है जब उसको जरूरत होती है तब वो पंप यूज करता है, बाकी टाइम में उस बिजली को ग्रिड में दे करके और एक अपनी आमदनी करता है जी। एक और चीज जो बातचीत में आई थी वो ये थी कि फसल और बिजली जी दोनों साथ साथ कैसे है जी। तो हमारी जो कुसुम ए स्कीम है उसमें ये है कि अगर आपकी जमीन बंजर है, चरवाहा जमीन है, दलदल जमीन है, तब तो आप जमीन के एकदम ऊपर है अपने सोलर प्लांट लगाइए जी। परंतु अगर आपकी उपजाऊ जमीन है जहां पे आप खेती कर रहे हैं तो वहां पर है आप चाहे तो ऊंचाई के ऊपर भी सोलर प्लांट लगा सकते हैं और उसके बीच में आप खेती कर सकते हैं, तो आपको खेती का भी नुकसान नहीं होगा और वहां पे आप सोलर प्लांट भी से बिजली भी जनरेट कर देंगे। तो उद्देश्य यह है कि जितना कृषक और किसान भाई
फसल पैदा कर रहा है उतना तो वो करेगा ही, साथ में वो बिजली भी पैदा करके और एक अतिरिक्त आमदनी का साधन बनाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए जो अतिरिक्त आमदनी है हो सकता है वो आपकी जो फसल के जरिए आमदनी होती है उससे भी ज्यादा आपको सालाना मिल सकती है। नरेंद्र जी आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर खासतौर से तकनीक की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो कभी कभी किसान को ये भी थोड़ी सी हिचक हो जाती है कि शायद इसमें जो तकनीकी है वो ज्यादा होगी, जिसकी जानकारी शायद उनको ना हो पाए, या इसमें किसी तरह का अगर फॉल्ट आ गया, कुछ गड़बड़ी इसमें हो गई तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को? इसमें एक खास बात है कि एमएनआरई जो ये स्कीम में लेके आए जी रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम जी, ये रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के हिसाब से किसान भाई अपने मोबाइल में कितना सौर शक्ति उत्पादन हो रहा है, कितना वो बिजली कंज्यूम कर रहा है, कितना उसको नेट कंजम्पशन मिल रहा है जी, तो वो सब अपने मोबाइल में देख सकता है जी। तो इसलिए अगर उसको प्रोडक्शन जो बिजली उत्पादन कर रहा है वो कम है तो तुरंत उसको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो टेक्नीशियन को बुला सकता है जी। अदरवाइज ये जो सोलर इंस्टॉलेशन है उसमें कुछ मेंटेनेंस का तकनीक का जरूरत नहीं, वो रेगुलरली पैनल को कीप ही करना पड़ेगा ताकि जनरेशन कम ना हो जी। तो इसलिए किसान को कुछ तकनीकी का परेशानी का जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल, किसी भी तरह की देखिए जो परेशानी है वो किसान को इसके जरिए नहीं होगी। और धर्मेश जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा अभी नरेंद्र नाथ जी ने बताया कि किसी तरह की परेशानी किसानों को नहीं होती, आप जितने समय से उसका उपयोग कर रहे हैं किसी तरह की कोई दिक्कत आपको उसमें लगी? सर ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं आई, सिर्फ हमें 3 आदमी रखने पड़ते हैं जो उसकी समय समय पर सफाई कर सकें जी, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे मोबाइल में हमने आई सोलर क्लाउड ऐप डाउनलोड कर रखा है जी, उसमें पूरे दिन का पूरे साल का सभी डेटा ऑनलाइन हमारे पास रहते हैं, वो हर क्षण की हम उसमें मॉनिटरिंग कर लेते हैं जी, कि कोई स्ट्रिंग हमारी खराब नहीं है, कोई पैनल से जनरेशन नहीं आ रहा है, या कोई इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, या हमने एक ऐसा डिवाइस भी लगा रखा है जो बिजली जाते ही हमारे पास फोन कर देता है जी कि ग्रिड से बिजली चली गई है, अभी आप अपनी ग्रिड ओके करवाओ। बिल्कुल, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ लगाने में किसान को परेशानी है। तो उसमें क्या आपकी उम्मीद है, किस जो परेशानी आप बता रहे हैं क्या उसमें आपका कोई सुझाव कि अगर ऐसे ऐसे हम कर लें सर कुछ कदम अगर उठा सर, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही बैंक अब धीरे धीरे अपनी जो लोन की क्षमता बढ़ा रहे हैं इस फील्ड पे जी, तो मैं ये समझता हूँ कि यदि इजीली लोन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को लोन मिल जाएंगे जी, तो पूरे भारत में इतने ग्रिड लग जाएंगे कि कोयले और उससे परमाणु से हमें बिजली बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि हमें जो और आवश्यकताएं हैं वो ना हो। ललित जी अगर देखा जाए, क्योंकि आपने कहा भी कि कई बार ये सुनिश्चित भी किया गया है जो बैंक हैं वो उनका जो एक प्रक्रिया है उसमें आसानी बनाए रखें, लेकिन और किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बैंक की भी हो जाती है कि हमें जब किसान को ऋण देना है तो क्या वहाँ भी आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग तरह की, क्योंकि बैंक के जरिए भी कई बार किसानों को चक्कर कटा दिए जाते हैं कि अभी ये वाला प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या आपके पास ये दस्तावेज नहीं है, तो ऐसे में कुछ और उनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी दूसरे पोर्टल पर भी अगर हमारे किसान का रजिस्ट्रेशन है तो वहां से किसी तरह सिंक करके वो सारी जानकारी ले सके और किसान का जो समय है उसको भी बचाया जाए? हाँ देखिए, जो जहां तक बैंकों की बात है, बैंक है वो लगातार अपने नीचे जो शाखाएं हैं जो किसान से लगातार संपर्क में रहती है, तो सारी की सारी जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है वो लगातार उनको मैसेज दे रही है कि पीएम कुसुम योजना में जो भी किसान आ रहे हैं उनको आप है पूरा का पूरा सहयोग प्रदान करें। बैंकों की अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उनको भी उन्होंने काफ़ी आसान किया है ताकि इस ये जो लोन का प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी हो सके। जहाँ तक की जानकारी की बात है तो हम बैंकों को है जो एमएनआरई पोर्टल्स पे जानकारी आती है वो हम बैंकों को देते हैं, इसके अलावा जो राज्यों के पोर्टल्स की जानकारी भी होती है तो वो भी बैंक है वो लगातार उनके टच में रह करके या हमारे टच में रह करके और लेते हैं, बिकॉज हमको भी ये है कि किसानों को जल्द से जल्द है लोन और एक अच्छी रीजनेबल रेट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के हिसाब से मिले ताकि उनको है
ये अपने सोलर पंप्स लगाने में कोई भी समस्या ना रहे। जी बिल्कुल, तो देखिए ना सिर्फ जो योजना है उसका क्रियान्वयन किया गया बल्कि बेहतर क्रियान्वयन जो है वो किया जा रहा है, और इस बीच अगर किसानों को किसी भी तरह की समस्या आती भी है तो उसका समाधान एक निश्चित समय में किया जा सके ये सुनिश्चित किया जा रहा है एमएनआरई द्वारा, जिसके जरिए हमारे जो किसान हैं वो ना सिर्फ इस योजना का और ज़्यादा लाभ ले रहे हैं बल्कि उनकी जो रुचि है वो और भी ज़्यादा दिख रही है। एक विश्वास जो है हमारे जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर जता रहे हैं, और इस योजना में आने वाले समय में किस तरह का बदलाव जो है हमें नज़र आ सकता है, क्या नई तकनीकी समावेश जो है वो आने वाले समय में होगा, और किस तरीके से जो किसान हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं इससे, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, कैसे अब हमारे किसानों के खेतों में जो बिजली है इसकी भी पैदावार हो रही है, और ये एक ऐसी फसल इसको हम देख सकते हैं जिसका अच्छा लाभ जो है हमारे किसानों को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है वो हमारे किसान इसके ज़रिए ले पा रहे हैं। और अभी तक आपने जान भी लिया होगा कितना फ़ायदा प्रधानमंत्री कुसुम योजना से हमारे जो किसान हैं उनको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन और भी कई फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा अगर देखा जाए यहाँ पर लीजिए पर्यावरण को लेकर भी, पिछले दिनों हमने देखा दिवाली पर्व पर भी किस तरीके से जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ जाता है वायु प्रदूषण, लेकिन इसके जरिए हम मान सकते हैं कि ना सिर्फ उसमें भी कमी आ रही है बल्कि जो सौर ऊर्जा का विकल्प है हमारे पास, क्योंकि ना सिर्फ जो प्रकाश की जब हम बात करते हैं जगमग रोशनी की बात करते हैं, और ये जब सारी जो मुख्य बातें हैं जब एक किसान से होकर गुजरती हैं तो शायद और भी बेहतर स्थिति रहती है, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होंगे तभी और ज्यादा प्रकाशमान हम मान सकते हैं फिर चाहे कोई भी पर्व हो, लेकिन खासतौर से जो प्रदूषण की समस्या रहती थी उसको भी काफी हद तक इस योजना के तहत हम कम कर सकते हैं। हाँ हाँ, आपने एक बहुत ही सही पॉइंट बताया है, जो हमारा ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने का अभियान चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में, उसके अंदर हमको है 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा है 2022 तक लगानी थी, और उसी के संदर्भ में है ये पीएम कुसुम योजना है, उसका एक पार्ट था जहां पर कि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाने थे जी। इसके कारण है हमारा ओवरऑल है पॉल्यूशन लेवल डाउन होता है, बिकॉज जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं वो या फिर डीजल से हो रही है या कहीं ना कहीं है हमारे फॉसिल फ्यूल्स है उनसे बिजली पैदा हो रही है जी। और इन सब का असर ये हुआ कि जो हमने हमारा एक एनडीसी टारगेट था जिसमें हमको 40% हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल से थी और हमको 2030 तक अचीव करना था, वो हमने भारत ने है 2021 में ही अचीव कर लिया, तो इससे है ओवरऑल पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत कम हो रहा है जी। और उससे है हम सबके स्वास्थ्य पे भी इसका असर लॉन्ग टर्म में पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य हमारा देखिए वो किसान का भी जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र जी, इसमें कुछ आप बात जोड़ना चाहेंगे अपनी, कैसा लगता है क्योंकि आपका भी एक योगदान हम देख पा रहे हैं जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए। सर, अभी तक मेरे प्लांट से लगभग 42 लाख किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में फैलती वो रोकी जा चुकी है जी। 16 लाख किलो कोयला जो जलता बिजली बनाने के लिए वो बच चुका है। 4,14,000 जो पेड़ कटते इसके लिए जी। वो बच चुके हैं, और इसकी वजह से हमें कार्बन क्रेडिट्स के जो पॉइंट्स हैं उनको खरीदने के लिए कुछ संस्थाएं आगे आ रही हैं, और लगभग 1,25,000 रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब से एक साल का हमारा कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए हमें ऑफर दी है जी। अभी तक हमने वो किसी से फाइनलाइज नहीं किया है, बाकी हमारा 2 मेगावाट का प्लांट है तो हमें 2.5 लाख रुपए सालाना का कार्बन क्रेडिट का भी फायदा
मिलने दे वाला है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से और जो फायदा मिल सकता है, जो आमतौर पर किसान, जब हम कहते हैं ना सिर्फ प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाती है, और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो धीरे धीरे असर है, जो खतरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कितना फायदा जो है वो लगातार मिल रहा है। फिर चाहे हम किसान की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, या राज्य सरकार की भी बात अगर की जाए, उनको भी जो बिजली है वो मिल रही है। जसविंदर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से आपको लगता है कि और कुछ इसमें जो बदलाव हैं वो किए जाएं, जिससे जो आपके जैसे और भी युवा किसान हैं वो आगे आ सकें, जो अब तक इससे नहीं जुड़े हैं। देखो सब तो पहला तो ये है भी जागरूकता अपने जिहड़ी घट हैगी आ, लोकां नूं अज भी डर ये हैगा कि जो कि असीं ये पंप, पहली गल तां हुण जिहड़ी पीएम कुसुम योजना दी स्कीम हजे तक नवे अपलाई नहीं होए, बहुत सारे फार्मर हैगे जिहड़े कि अपलाई करना चाहुंदे आ, बहुत सारे फार्मर डर भी रहे आ कि इहदे नाल आपां नूं कई मुश्किलां भी आ सकदियां। देखो इलैक्ट्रॉनिक चीज़ आ, चलदी दे विच प्रॉब्लम भी आउंदियां ने जिन्हां नूं कि रिकवर भी कीता जांदा है कंपनियां वल्लों एक दो दिनां दा टाइम लैके, ठीक है, उहदे विच देखो मुश्किलां तां आउणगियां ही जे कोई चलूगी चीज़। सब तो ज़्यादा इहदी सांभ संभाल ज़्यादा जरूरी है, जिन्हां दे करके कि लोकां दे विच डर बैठ जांदा कि इस इह अज नहीं सोलर चल रिहा, किते ना किते किसान भरा पिछे हटन की कोशिश करते हैं, ठीक है, उन्होंने ये लगता है कि ये कामयाब नहीं होगा प्रोसैस। देखो हौली हौली जिनी अपनी सांभ संभाल होगी, ये एक तो प्रदूषण तो पूरा रहत हो सकते हैं, ठीक है, डीजल पंप दे विच कदे भी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारा प्रदूषण करी जाने आप, ठीक है, बहुत सारिया दिक्कत आ जा, मौके दे टाइम आए दे टाइम फसल नूं पानी चाहिदा, डीजल पंप रुक गया जी, तो आपां नूं उत्थे भी मुश्किल आ सकती है। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा जो बदलाव है वो धीरे धीरे आता है, और अगर हम अच्छी सांस ही नहीं ले पाएंगे तो फिर शायद जितनी हम कह सकते हैं अलग अलग कदम जो हम उठा रहे हैं उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, लेकिन ये एक ऐसी योजना जिससे जुड़कर आपको जो लाभ है वही मिल सकता है, किसी भी तरह का नुकसान यहाँ पर नहीं है। और जिसने जी ने जैसे यहाँ कहा कि जो किसान है वो डरे ना, यानी भ्रम से आप बचें और भय से भी बचें, तभी आप इस योजना का और बेहतर तरीके से जो लाभ है वो ले सकते हैं। नरेंद्र नाथ जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, जैसा जसविंदर जी ने भी कहा कि कई बातें होती हैं जो किसान है वो थोड़ा सा डरता भी है, हिचकता भी है, लेकिन अब किस तरीके से और किसान को हम ज्यादा बढ़ावा यहाँ पर दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं? किसान को हम एक्चुअली आपने जो पहले बोला है ना इकट्ठा करके जी, जो ग्रुप ग्रुप करेंसी जो है उसको हम टैप कर रहे हैं जी, और यहाँ दूसरी बात किसान के लिए ही नहीं है बल्कि देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है ये पीएम कुसुम, क्योंकि एक मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए आपको 4 से 5 एकड़ का लैंड जमीन चाहिए होगा जी, जमीन तो कहीं पे इतना जी आसान से मिलता नहीं, केरला जैसे जो स्टेट है तो वहां तो जमीन बहुत कम ही मिलता है और बहुत कॉस्टली भी है जी। यहाँ पीएम कुसुम के हिसाब से किसान भाई आप आपके एक जस्ट 1% ऑफ लैंड, 1 सेंट या 2 सेंट लैंड में एक प्लांट लगाने से इतना सारा मेगावाट हम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस, जमीन की कुछ लॉस नहीं रहेगी, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं रहेगा जी, तो दो तरह का प्रदूषण से हम बचा रहे हैं, एक जी, बिल्कुल, जमीन कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन, दूसरा जमीन पूरा सोलर पैनल से भर के जो पोल्यूशन होने वाला है उसका पोल्यूशन से ही बचा। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से अलग अलग जो कारक हैं वो यहाँ नजर आते हैं, और खासतौर से अगर आप देखें पीएम कुसुम योजना में तो ना सिर्फ अगर हम देखते हैं तो जमीन, जल और इनसे जुड़ा जीवन, और उस पर हम कोशिश यही करते हैं हमारा जो जलवायु है उस पर किसी भी तरह का जो असर है वो ना हो, और इन चारों कारकों पे हम मान सकते हैं जो हमारी पीएम कुसुम योजना है वो काफ़ी फिट बैठती हुई नजर आती है। यहाँ ललित जी, आखिर में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर जो किसान है वो भ्रम की स्थिति में ना आए, किस तरीके से वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर इस बारे में और जानकारी वो लेना चाहते हैं तो? इसमें एक हमारा टोल फ्री नंबर है जी, जो कि 1800 180 3333 है जी, तो किसान भाई है उसके ऊपर जहां भी उनको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है या उनको कोई भी समस्या है तो वो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं जी। उसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है पीएम कुसुम डॉट एमएनआरई
www.gov.in वो उसके ऊपर भी है, वो इससे रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं और उनको जो भी समस्या है वो उसकी जानकारी हमको दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आपको आती है तो उसके लिए समाधान के लिए अलग माध्यम आपके पास हैं। टोल फ्री नंबर जिसका जिक्र यहाँ ललित जी ने किया 1800-1800-3333, यानी 2-4 बार आपको 3-3 जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। साथ ही जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट जो है, क्योंकि अक्सर यही होता है जब आप इंटरनेट पर जाते हैं तो कई सारी वेबसाइट आपको वहाँ मिल जाएंगी और आपको अंदाजा नहीं होता कि कौन सी आधिकारिक वेबसाइट है। तो जो आधिकारिक वेबसाइट है इस योजना की वो है pmkusum.mnre.gov.in। ये आधिकारिक वेबसाइट जिस पर सारी जानकारी जो है आपको प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में मिल सकती है, जिसके तहत कोशिश की जा रही है कि जो हमारे किसान हैं उनको और ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हम कर सकें और साथ ही जो किसान की लागत है उसको कम किया जाए। साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो और कितना फायदा ना सिर्फ हम पर्यावरण को दे सकते हैं बल्कि जो किसान है उनको भी फायदा मिल सकता है और आर्थिक स्थिति इसके जरिए हम काफी मजबूत कर सकते हैं। तो फिलहाल आज आपने जाना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में और इस बारे में हमारे साथ जो आज विशेषज्ञ रहे, हमारे जो किसान रहे, प्रतिशील किसान, उन्हें ये सारी जानकारी दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। साथ ही नरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े केरल से। नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जाना आपने कितना लाभकारी है अगर आप भी प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जुड़ जाते हैं और उसके बाद ही हमारे जो अन्नदाता हैं वो बन सकेंगे हमारे ऊर्जादाता भी और उसके जरिए देखिए कितना मुनाफा जो है वो लगातार हमारे किसानों को यहाँ मिल पा रहा है। फिलहाल अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अगले सप्ताह फिर आपसे मुखातिब होंगे, किसी नए विषय पर भी चर्चा करेंगे और आपको बता दें अगर आप ना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आई डी है vicharvimarsh08@gmail.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।